दोस्तों और स्वागत है आपका फिल्मी खबरी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब फिल्म की सफलता के बाद अब बारी है सनी देओल की बाप फिल्म की। वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम रोज आप सभी के लिए बॉलीवुड से जुड़े अपडेट्स और आपके सभी फेवरेट सेलिब्रिटीज की लेटेस्ट न्यूज लाते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऐसा माना गया है कि ये फिल्म होने वाली है गदर 2 से ज्यादा बड़ी और सक्सेसफुल। साल 2023 बॉलीवुड के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है, क्योंकि इस साल बॉलीवुड को एक नहीं बल्कि 2 500 करोड़ की फिल्म्स मिली हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि हम सब जानते हैं, शाहरुख खान की मूवी पठान ने 500 करोड़ का कलेक्शन किया ही था, लेकिन गदर 2 ने भी आज फाइनली 500 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है। और 500 करोड़ जैसी वैल्यू हिंदी फिल्मों में कमाना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा माइलस्टोन बहुत कम फिल्में ही कर पाती हैं और गदर 2 ने ये कर दिखाया। गदर 2 की यूं अपार सफलता का श्रेय केवल सनी देओल को ही जाता है। सनी देओल ने जिस तरह फिल्म में दमदार रोल निभाया है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तो बस ये शुरुआत है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला समय सनी देओल के लिए काफी सफलता पूर्वक होने वाला है, क्योंकि आप सभी को उनकी एक से एक बढ़कर मूवीज देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल सनी देओल के पास फिल्मों की लिस्ट लंबी है, जैसे कि बाप, गदर 3, लेकिन सनी देओल की अगली फिल्म होने वाली है बाप। और बात करें इस फिल्म की, तो ये फिल्म काफी पावरफुल होगी, क्योंकि इस फिल्म में सनी देओल के साथ 90s के 4 सितारे आप सभी को देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं। रही बात फैंस की, तो उनके लिए ये मोमेंट काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इन 4 सुपरस्टार्स को बड़े पर्दे पर आज तक नहीं देखा गया है। इसके अलावा कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए आप इस फिल्म में जॉनी लिवर को भी देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस फिल्म की रिलीज डेट, क्योंकि फिल्म का पोस्टर ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, लेकिन रिलीज डेट को लेकर दूर दूर तक कोई खबरें सामने नहीं आई हैं। लेकिन अर्ली रिपोर्ट्स की माने तो ये मूवी अगले साल जनवरी टू मार्च के बीच रिलीज हो सकती है। तो फैंस जो इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा लंबा हो सकता है। तो दोस्तों, कमेंट्स में आप सभी अपनी राय जरूर बताइए और इस मूवी से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ फिल्मी खबरी पर।